प्रधानमंत्री से हमने ये जो है प्राप्त करके आया है, डायरेक्ट चाबी मिली हाथ में, फ्लैट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा है। कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कभी सोचे थे कि ऐसा हो पाएगा, ये नहीं सोचे कि विज्ञान भवन होता क्या है, वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये तो पहली बार नसीब था। टकरा प्रधानमंत्री सामने खड़े थे, बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा था, मुस्कुरा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मनोज तिवारी थे। टीवी में तो पहले देखते थे लेकिन अब सामने देख के मेरे को बहुत खुशी हुआ, मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी कि मोदी साहब हमें सामने मिलेंगे देखने के लिए। तो अभी झुग्गी में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, क्या है? वहाँ माहौल बहुत खराब है, वहाँ रहने लायक है ही नहीं, लेकिन मजबूरी में जो रह रहे हैं बस। अरे वहाँ लुखाई करते हैं, यहाँ सेफ्टी रहेगा भाई बच्चों का? अच्छे दिन आ गए, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे कि खुशी का हमें कहीं अटैक नहीं पड़ जाए, मोदी ने वो पलट दिया, हमारे बाप दादे नहीं ले सके, वो उन्होंने दे दिया जी। एक कूड़े में से उठ के हम महल में आ रहे हैं, हमारे लिए महल है, सपनों का महल है भाई हमारे लिए। प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के राजा हैं और वो ही रहेंगे। एकदम नज़दीक में ही मिल गया हमारे को, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हमारी टीम आज मौजूद है कालका जी एक्सटेंशन में। कालका जी एक्सटेंशन का ये जो जगह है वो झुग्गी झोपड़ी के तमाम जो लोग हैं उनके रहने के लिए यहाँ पर जो है मोदी सरकार ने फ्लैट बनाए हैं और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन लोगों को जो है चाबी सौंपी है। लेकिन कई लोग जो है ये कहते थे कि झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने की जो योजनाएं हैं वो पहले से बनती आ रही हैं और लगातार जो है झुग्गी झोपड़ी को हटाने की बात होती है, पर उनको बसाने की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो कराने की जब बात आती थी तो उनको फ्लैट दिए जाते थे दिल्ली के बाहरी इलाकों में। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने जो है एक नई योजना जो है लॉन्च की, जिसका नाम उन्होंने रखा कि यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना, यानी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यानी कि यहाँ के झुग्गी देखेंगे इसी के जो पीछे, इस बिल्डिंग के ही जो पीछे है, ये जो सोसाइटी यहाँ पर बनाई है इसके पीछे ही यहाँ पर झुग्गी का कैंप जो है जहाँ पर ये तमाम लोग रहते हैं, तो इनको उसी स्थान के नज़दीक बिल्कुल ही कालका जी एक्सटेंशन में इनके फ्लैट्स बना करके इनको दिए गए हैं। उनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबी सौंप दी है। आपको बता दें कि इन तमाम जो फ्लैट्स हैं उनको बनाने के लिए जो खर्चा आया है वो लगभग 345 करोड़ की लागत जो है गवर्नमेंट की लगी है और 3024 जो फ्लैट है बनकर के यहाँ पर तैयार हुए हैं, जिनके अंदर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम जो परिवार हैं उनको यहाँ पर जो है बसाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि करीब 30 से 40 सालों से वो इन कैंप के अंदर, झुग्गियों के अंदर ज़िंदगी बिताने का मजबूर थे, लेकिन अब उनके जो है वो अच्छे दिन आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको यहाँ पर सरकार जो है फ्लैट दे रही है और वो अपने घर झुग्गी झोपड़ी से निकल करके एक नई दुनिया में आने के लिए तैयार है। जिन लोगों को ये फ्लैट्स मिले हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, आप हमारे साथ बने रहिए। सर क्या नाम है आपका? चांद शहीद। चांद शहीद जी हाँ। कितना नंबर फ्लैट मिला आपको? हमारा है सी ब्लॉक में, सी में है 217 नंबर। हाँ, देख कर क्या है फ्लैट? सेकंड फ्लोर नहीं, दूसरा दिखाए हैं नमूना की ऐसा ही है, उसमें लॉक था ताला, नहीं जा पाए, दूसरा देख लिए, बोले किस तरीके से है सारा, जैसे लगभग सब एक जैसे हैं, बता रहे हैं। क्या क्या दिखा मतलब फ्लैट में? सब कुछ है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बेडरूम और ये क्या कहते हैं रहने सोने के जैसे अभी, अभी जो घर है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो कैसा है? वो तो झुग्गी है भाई, जानते हो झुग्गी कैसा होता है, रहना सहना का गुजारा का टाइम है। कितने कमरों के है? एक ऊपर है एक नीचे है। अच्छा। अब ये तो बराबर में है, बहुत अच्छा लग रहा है। किचन अलग बनी है अभी पहले से? किचन नहीं, उसी कमरे में शिफ्ट किए हैं। अब यहाँ तो सब अलग अलग है, यहाँ का तो हिसाब ही अलग होगा ना, बढ़िया होगा। एक ही में गुजारा करना पड़ रहा था, अब पूरा फ्लैट ऊपर। हाँ, पूरा फैमिली के साथ रहते थे। मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे? मोदी जी के लिए धन्यवाद है कि भाई ऐसा जो है प्रधानमंत्री करके दिखाएं, जो बोले थे वो करके दिखा दिए जाए, और जो और लोग बोले तो बहुत लेकिन कोई कर नहीं पाया कुछ, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया जो है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया था, उसमें बोला था सबका साथ सबका विकास, बोले थे तो वो असलियत में सबका साथ सबका विकास दिखा, असलियत आ गई सामने जो है सबका साथ सब गया। नहीं है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है, राजनीति है, तमाम चीज बात लोग बोलते हैं, ऐसे बात तो हमें नहीं था, यहाँ से लेकर गांव तक जहाँ तक हम पता लगा सब सही है, बहुत बढ़िया इनका हिसाब किताब है। हाँ, इनके राज में यही देखता हूँ, कोई भी चीज़ पैसा या कोई चीज़ पास होता है तो कोई एक पैसे नहीं चोरी कर पाता है। अच्छा। जो होता है वो पूरा आ जाता है कहीं से भी हो कहीं। पहले कहता था सरकारी योजना जो है आती थी लेकिन गायब हो जाता था पैसा, गायब का एक रुपया आता था, 10 पैसा मिल पाता था, बस 90 पैसा गायब हो जाता था बीच ही, पता ही नहीं लगता था। अब पहली बात तो पता ही नहीं लगता था कहाँ क्या हो रहा, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है किसी ने घूस वूस मांगी हो कि? ना, घूस वूस अभी किसी ने कुछ ऐसा कोई बात नहीं बोला भाई। नहीं 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 जी, कोई फ्लैट सीधे झुग्गी वाले जो लोग हैं उनको डायरेक्ट मिल रहा है प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से हमने ये जो है प्राप्त करके आया है, डायरेक्ट चाबी मिली हाथ में और डिमांड विज्ञान भवन में, तो विज्ञान भवन में कल गया था और आज जो है सब ये लेटर वोटर सब मिला हमें जो है, मिलने का मौका मिला बिल्कुल, मिलने का नहीं और चार पाँच गए सामने थे, बिल्कुल चौथे लाइन में बैठा था,
बाकायदे जो है खूब बढ़िया देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए ऐसी जिंदगी में मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री सामने खड़े हो। हम लोग ऐसा नहीं कभी सोचे थे कि ऐसा हो पाएगा, ये नहीं सोचे कि विज्ञान भवन होता क्या है, वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये तो पहली बार नसीब था टकरा प्रधानमंत्री सामने खड़े थे। बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा था, मुस्कुरा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मनोज तिवारी थे, गर्व महसूस हो रहा था। बिल्कुल गर्व महसूस है, बड़े आदमी के साथ बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, जो है कहाँ कहाँ बैठे हैं हम लोग। तो जो लोग ये कहते थे कि कब आएंगे अच्छे दिन, कब आएंगे अच्छे दिन, तो अब लग रहा है कम से कम आपके तो अच्छे अब अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अब लगता क्या है, अब आ ही गया समझ लो, अब आ ही गया, बाकी का तो नहीं, आपका तो कम से कम फ्लैट मिल गया तो हमें मिल गया भाई, मत जान गया हाँ भाई आ गया अच्छा दिन खत्म कहा नहीं, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के हम भेदभाव कैसे करें भाई, हम क्या हमें मिल रहा हम क्यों भेदभाव करें, सब सही है। क्या नाम इनका, क्या नाम है? सहनाज बेगम, सहनाज बेगम, इस पे लिखा हुआ है सहनाज बेगम जी। तो आपको जो ये यहाँ पे फ्लैट मिला, आप देखा आपने कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ मोदी जी के लिए कोई मैसेज देंगे? हाँ बहुत अच्छा है मोदी जी, हाँ मोदी जी फ्लैट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा है। कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जो जो भी गरीब है वो गरीब है उसके लिए, हिंदू मुस्लिम मुसलमान हो या हिंदू हो सबके लिए है। हाँ बहुत अच्छा, वो सही के लिए सही है, गलत के लिए गलत, हम यही सीधा जानते हैं, बाकी कुछ बातें छोड़ दो। गलत कर रहा है, देश विरोधी कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई, उसमें कार्रवाई होगी, सीधा सवाल है कोई, उल्टा सीधा बोलने इस मेन मतलब यही है, सीधा बल भाई सीधी सवाल है, बाकी बातें छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सरस्वती। आपको भी क्या यहाँ पे फ्लैट मिलेगा? हाँ मिल गया, कितना नंबर फ्लैट आपका? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं उस फ्लैट में। किचन है, बाथरूम है, हॉल है, कमरा है। आप भी क्या विज्ञान भवन गई थी क्या वहाँ पर? हाँ हम भी गए थे वहाँ पे, मिलने का मौका मिला, सामने सामने बैठे थे। सामने बैठे थे, सामने बैठे। तो टीवी पे तो आप पहले देखते रहे होंगे, पर सामने देख रहे थे कैसा? नहीं टीवी में तो पहले देखते थे, लेकिन अब सामने देख के मेरे को बहुत खुशी हुआ, मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी कि मोदी साहब हमें सामने मिलेंगे देखने के लिए। मोदी जी के लिए कोई मैसेज देंगे क्या, अगर आपको देख रहे हो? बहुत धन्यवाद भाई मोदी जी के, जो हमें इतना बढ़िया मकान दे दिए भाई रहने के लिए। बस तो अभी झुग्गी में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, क्या है? वहाँ माहौल बहुत खराब है, वहाँ रहने लायक है ही नहीं, लेकिन मजबूरी में जो रह रहे हैं बस मजबूरी। बच्चे वगैरह आपके? बच्चे हमारे दो लड़के हैं, तीन लड़की है। अभी अभी क्या वो माहौल मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए? नहीं नहीं मिल पा रहा था। नहीं अब जब झुग्गी से फ्लैट तक पहुँच गए हैं, क्या मैसेज देंगे? कल हम मोदी जी के सामने विज्ञान भवन में थे, बहुत मोदी जी ने हमारी खुशियां दी हमें, और इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई जिंदगी में जब, और जो कल वहां का माहौल था, जो उत्साह था, हाँ जो उत्साह था झुग्गी वासियों में, तो मोदी जी को ये कहना पड़ा कि इस हॉल में हालांकि बहुत प्रोग्राम होते हैं मगर ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। और मोदी जी ने हंस हंस के सारी बातें अपने जो भी शेयर करना था किए, बाकी बहुत खुशियां में निकल। अच्छे दिन आ गए, अरे अच्छे दिन, अब इज्जत के साथ रहेंगे, फ्लैट में झुग्गी झोपड़ी का नाम ही बदनाम है। फ्लैट में दे दिया मोदी जी ने, इससे बढ़िया खुशी क्या आएगी? ये तो फ्लैट कहलाएगा ना, झुग्गी तो नहीं कहलाएगी। सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करा दी है, और झुग्गियों में तो कहते हैं ऐसा माहौल कभी नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते आप। वहाँ क्या करते हैं? अरे वहाँ लुखाई करते हैं, यहाँ सेफ्टी रहेगा भाई, बच्चों का कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खेलने वहाँ पार्क खेलने का सब सही है भाई। क्या नाम क्या आपका? जगदीश कुमार गुप्ता जी। आपको यहाँ पे फ्लैट मिला हुआ? हाँ जी फ्लैट मिला मेरे को, विज्ञान भवन भी गए थे जी। क्या माहौल था वहाँ पे? बहुत खुशियों का माहौल था जी। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी ने वो बोला कि कोई आज तक हिंदुस्तान में बोला ही नहीं ऐसा, आज तक कांग्रेस सरकार ने हमें पागल बनाया। मोदी जी ने बहुत खुशियाँ दी है कि हम बता नहीं सकते, खुशी के वहाँ हमें अटैक नहीं आया, हमें प्लेट दिया, जो वायदे उनने पूरे करे अपने, ऐसी बीजेपी सरकार ने क्या नहीं करा हमारे काज, पूछो मन जी। कांग्रेस ने भी भवाने में फ्लैट बनवाए, ऐसे कुछ नहीं करा, झुग्गी से हमें झुग्गी में पढ़ा रहे, वोट के टाइम पे आए झूठे वायदे करे, जो मोदी जी ने वायदा कराया वो अपना निभाया है। हम अपने इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने पागल बनाया हमें, मोदी जी ने वो काम कराया कोई कर नहीं सकता। अभी फ्लैट देखने को मिला? देखने को मिला, फ्लैट देख के इतनी खुशी हुई कि मोदी जी ने इतनी खुशियां दी है, मैं फ्लैट देख के खुशी का समार नहीं है। अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ कैसा है? माता जी झुग्गी झोंपड़ी का माहौल है, जैसे रह रहे हैं काट रहे थे दिन हम 40 साल से, तो लगता है कि आपने जैसे जिंदगी गुजारी वैसे बच्चों को नहीं गुजारा? नहीं बच्चे का यार, मोदी जी ने ऐसा चीज दे दी, बच्चे जिंदगी गुजारेंगे ऐसे आराम की जिंदगी करेंगे, स्कूल बरायत घर क्या नहीं दिया उनने, राशन कार्ड राशन फ्री और क्या चाहिए जी। हम तो कह रहे हैं हमारी उम्र भी मोदी जी को लग जाए जी, इतनी खुशी है हमें।
अब जो तमाम लोग सवाल उठाते थे और ये कहते थे कि एक तरफा राजनीति होती है, जैसे इन्होंने कहा कि चांद जो है उनको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, कोई सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो सबका विकास सबका, मोदी जी का बहुत बढ़िया नारा है ये, इस नारे से हम बहुत खुश हैं। अच्छे दिन आ गए, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे कि खुशी का हमें कहीं अटैक नहीं पड़ जाए, मोदी ने वो फ्लैट दिया, हमारे बाप दादे नहीं ले सके वो उन्होंने दे दिया जी। वहाँ पर जो झुग्गी है और इसमें फ्लैट में क्या लग रहा है, फर्क क्या है? काफ़ी फर्क है भैया, काफ़ी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है हमारे लिए तो। वहाँ पे क्या एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता है? हाँ हमारा तो हालांकि दो तीन है लेकिन कमरे बना रखे, लेकिन कई लोग हैं जो एक ही में। जिस तरीके से यहाँ पे सोसाइटी है, बालकनी है, किचन है, ऐसा कुछ वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, खाली वही है जिन्होंने ऊपर बनाया, तो वो थोड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन आसमान में एक कूड़े में से उठ के हम महल में आ रहे हैं, हमारे लिए महल है, सपनों का महल है भाई हमारे लिए। तो पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो कहता हूँ सदा सलामत रहें वो। अच्छा। हाँ जी, तो जो लोग कहते हैं कि राजनीति होती है, पैसा ऊपर से आता है बीच में खा लिया जाता है, ऐसा कुछ यहाँ हुआ क्या फ्लैट में कोई पैसे वैसे? हमारे नज़र में तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जिसके प्रूफ है उन्हीं को मिल रहा है, और जिनके कागजात में कमी है ये भी बोला गया अब जाके वहाँ पे दिखाइए चेक कराइए। खाने वाला सिस्टम कोई नहीं अभी तक तो हमें ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया ना दिखाई दिया। मेरा नाम सुनीता जी। सुनीता जी बताइएगा, अभी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर और यहाँ पे क्या अंतर आपको दिखाई? बहुत अंतर है भैया, बहुत अंतर है। ये हम फ्लैट में आ गए हैं, वहाँ झुग्गी में बेकार में कूड़ा कचड़ा जैसा नाम था झुग्गी, है ना। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के राजा हैं और वो ही रहेंगे। अच्छा। हाँ जी, आप लोग कितना मतलब पसंद करते हैं? हाँ जी, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो लगता है झुग्गी में जिस तरीके से आप लोगों ने जिंदगी बिताई, ऐसी बच्चों को नहीं आगे बितानी पड़ी? नहीं बितानी पड़ेगी भैया, इतना अच्छा दे दिया मोदी जी ने, बस बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का, मोदी जी के राज में सब राज कर रहे हैं। तो ये फ्लैट का जो है वो नक्शा है, जिसमें एक बालकनी दी हुई है, एक रसोई घर बना है, एक कमरा बना हुआ है और एक स्नान घर, लिविंग रूम और शौचालय, ये पूरा मैप जो है इसका दिखाया गया है। दूसरा जो मैप है वो पूरी सोसाइटी का, कि किस तरीके से पूरी सोसाइटी जो है उसको डेवलप किया गया है, उसके बीच में जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जो रोड है वो है, इसके अलावा तमाम जो है उन लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, सिक्योरिटी, ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई गई हैं। आप अगर देखेंगे ये जो किचन है वो इनको इस तरीके से प्रॉपर बना हुआ मिला है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि झुग्गी के अंदर जब रहते हैं तो अलग से किचन की कोई व्यवस्था होती नहीं है, उसी कमरे के अंदर ही किचन में जो इनको बना करके सिलेंडर रख करके गुजारा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग से किचन इनको मिला हुआ है। इस तरफ देखेंगे शौचालय की व्यवस्था जो है की गई है, और ये जो है ये है मेन जो बेडरूम है वो बेडरूम यहाँ पर बना हुआ है, इस बेडरूम में प्रॉपर इनके लिए जगह बनी हुई है कि आप बेड डाल करके यहाँ पर जो है वो रह सकते हैं। और साइज आगे अगर आएंगे तो यहाँ पर एक बालकनी जो है वो भी दी हुई है कि इस बालकनी पे से यहाँ से जो है वो नज़ारे देख सकते हैं। ये पूरे 14 मंजिल की ये पूरी बिल्डिंग है और इसी तरीके से जो हर जगह ये प्रोवाइड कराई गई। तो इन तमाम जो फ्लैट्स हैं उसके बीच में से एक जो है वो गैलरी दी हुई है, तमाम जो लोग हैं वो इसके थ्रू आगे जो है फ्लैट्स में जा सकते हैं, और जगह जगह पर इसमें जो बीच में से जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और उसके साथ बीच में जो है लिफ्ट भी बनाई गई है, ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आसानी रहे ऊपर आने में, और जो लोग जिन लोगों के घर जो हैं वो दो तीन फ्लोर से ज़्यादा ऊँचाई पर हैं, जो क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है वो 14 फ्लोर की बनी हुई है, तो वो लोग आसानी से जो यहाँ पे जा पाएँ, तो लिफ्ट की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर दी हुई है। और लिफ्ट अगर आपको दिखाएं तो हम ये दो लिफ्ट जो हैं प्रॉपर यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें से पहली जो लिफ्ट है वो लिफ्ट पूरी तरह से उन लोगों के लिए है जो सिर्फ फ्लैट में ऊपर नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर जो दूसरी लिफ्ट बनी हुई है ये लिफ्ट होती है सामान को ले जाने के लिए, भारी सामान अगर कोई फ्लोर पर चढ़ाना चाहता है ले जाना चाहता है तो उसके लिए इसमें बड़ी जो लिफ्ट है वो बनाई गई है, और एक लिफ्ट जो है वो दी गई है कि आम जो लोग हैं वो ऊपर नीचे आ जा सकते हैं घर में। तो इस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो झुग्गी में रहने वाले लोगों को ना कभी मिली थी और ना ही मुझे लगता है कि वो उन्होंने कभी सोचा होगा कि झुग्गी से निकल करके उनको इस तरीके के जो सोसाइटी है इस तरीके के फ्लैट में रहने का मौका मिलेगा, और ऐसी लिफ्ट जो है वो उनके घर पर उनके फ्लैट में जो है वो लगी मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपको लगातार ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखा। तो जिन लोगों को वहाँ पर फ्लैट दिया गया है उनकी बस्ती अगर आपको दिखाएं तो ये वो बस्ती है जिसको भूमिहीन कैंप के नाम से तमाम जो लोग हैं वो जानते हैं, यहाँ के जो लोग हैं इनको फ्लैट मिला, उनसे बात करके आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके परिवार को मिला? हाँ जी, हाँ जी, मेरी माँ को मिला है। तो फ्लैट देख करके आए वहाँ पे? नहीं अभी तो गया नहीं हूँ मैं। अच्छा, मेरी माँ जाएगी तो फिर साथ में जाएंगे हम। जी बिल्कुल। अभी जो यहाँ पर आपकी झुग्गी है और वहाँ जो फ्लैट मिल रहा है, क्या अंतर दिल लगता है कि कुछ मतलब बेहतर जिंदगी होगी कुछ? बिल्कुल, हम तो सोचते हैं हमारे बच्चे हैं अच्छी अच्छी जगह। हाँ,
वहाँ पर लगता है कि वहाँ सिक्योरिटी जो है, पार्क है, तमाम ऐसी चीज़ें उनको मिलेंगी? बिल्कुल, मैं तो ये भी सोचता हूँ स्कूल एकदम नज़दीक में ही मिल गया हमारे को, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, नज़दीक में मिलने की ज़्यादा खुशी है? हाँ जी। पहले भी मतलब कहते हैं कि कांग्रेस के समय भी सरकार देती थी फ्लैट, लेकिन कहा जाता था बवाना भेज देते थे, दूर दूर भेज देते थे। इस बार जहाँ झुग्गी वहीं मकान वाली योजना आई है। मोदी जी का हम हाथ से धन्यवाद कहते हैं, नमस्कार है उनके लिए, बहुत अच्छा करा है उन्होंने। झुग्गी वालों का मकान मिल रहा है क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? बिल्कुल अच्छे ही दिन आ रहे हैं। ये झुग्गियाँ आप अगर देखेंगे इस एरिया में तमाम बसी हुई हैं, इनको अगर आप देखेंगे और जो फ्लैट्स हमने आपको दिखाए कि वहाँ पर जो फ्लैट्स बने हुए हैं उनमें जमीन आसमान का जो अंतर है वो दिखाई देता है। यहाँ की ज़िंदगी में और वहाँ की ज़िंदगी में भी जो है वैसा ही कुछ अंतर जो है दिखाई देगा जब ये तमाम जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इनका कहना है कि इनके बच्चे अगर यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर पढ़ाई की कोई सुविधाएँ नहीं है, सफाई भी इतनी नहीं होती है, बट वहाँ अगर रहेंगे तो उस एरिया में इन लोगों को बेहतरीन जो है सुविधाएँ मिलेंगी और इनके बच्चे आने वाली पीढ़ी जो है वो पढ़ लिख करके नई तमाम जो चीज़ें हैं वो हासिल करेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।